पांच साल बाद बोनी कपूर ने उठाया श्रीदेवी की मौत से पर्दा। आखिरकार दुबई में उस रात को क्या हुआ था, इस पर की खुलकर बात। यही नहीं, बोनी को गुजरना पड़ा था ऐसे ऐसे टेस्ट से जिसके बाद दुबई पुलिस ने दी थी क्लीन चिट। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद पहली बार बोनी कपूर ने खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था, क्या थी असल वजह श्रीदेवी की यूं अचानक गुजर जाने की। वह आपको बता दें, ये एक्ट्रेसेस खुद को फिट रखने के लिए कई तरीके की डाइट्स को फॉलो करती हैं। कुछ ऐसी ही डाइट को फॉलो कर रही थी श्रीदेवी, जिसमें वो कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी और दुबली दिखने के लिए, ताकि वो स्क्रीन पर अच्छी लगे, खुद को फिट रखने के लिए ये सब करती थी। यही नहीं, बोनी कपूर ने ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनने के बाद लोग हैरान रह गए। द न्यू इंडियन को दिए इंटरव्यू में बोनी कपूर ने श्रीदेवी के निधन की सच्चाई का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी मौत काफी ज्यादा शॉकिंग रही। उन्होंने बताया वो अक्सर भूखी रहती थी, वो अच्छी दिखना चाहती थी, वो ये हमेशा डिटरमिंड करती थी कि वो शेप में रहे ताकि स्क्रीन पर काफी ज्यादा अच्छी लगे। जब से उनकी शादी बोनी कपूर से हुई तब से वो कुछ मौकों पर ब्लैकआउट हो जाती थी। डॉक्टर यही कहते रहे कि उन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी सीरियसली नहीं लिया था और घटना घटने से पहले तक यही लगता रहा कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बोनी ने बताया कि जिस वक्त वो दुबई में थे तब भी डाइट पर थी। अपने हालिया इंटरव्यू में बोनी कपूर ने आगे कहा कि दुबई पुलिस ने उनसे तकरीबन 48 आवर्स तक पूछताछ की थी, क्योंकि भारतीय मीडिया उन पर काफी ज्यादा दबाव बना रहा था। अपनी पत्नी की हत्या के दावों के बारे में बोलते हुए कपूर ने कहा कि उन्होंने बस इस बारे में नहीं बोलने का फैसला किया था, क्योंकि दुबई में पहले ही उनकी जांच हो चुकी थी और उन्हें लाय डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा था। बोनी कपूर ने आगे कहा, मैंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्हें पता चला कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, मैं सभी टेस्ट से गुजरा जिसमें लाय डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल था और ये सभी चीजें शामिल थी। जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बाथटब में डूबने के कारण श्रीदेवी की मौत हुई थी। यही नहीं, फिल्म एक्टर नागार्जुन ने भी श्रीदेवी के साथ फिल्म करते हुए इसे फील किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, जब नागार्जुन बोनी कपूर को मिलने श्रीदेवी के निधन के बाद उनके घर पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि उनकी एक फिल्म के दौरान श्रीदेवी क्रैश डाइट पर थी और उस टाइम भी वो बाथरूम में गिर गई थी जिसके कारण उनके दांत टूट गए थे। साल 2018 में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। वो उस वक्त दुबई में अपने फैमिली वेडिंग को अटेंड करने गई थी, लेकिन किसे पता था ये काल उन्हें दुबई में वापस इंडिया लौटने के लिए कभी भेजेगा ही नहीं। बोनी कपूर ने 5 साल बाद इस बात पर खुलकर बात की है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरीन कौर, पंजाब के सी टीवी।